ना 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 स्लिप हो रही है, फंस गए लिटरली, इन शॉर्ट आज फंस गए। व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द 23 राइड्स चैनल एंड टुडे इज अ सैटरडे। तो आइडिया टुडे इज टू राइड अप द हिल्स एंड टू अ लोकेशन वेयर वी गेट प्रॉपर स्नो। एंड कल जो यहाँ पे स्नोफॉल हुई है वो देखो, सामने पहाड़ों पे थोड़ी थोड़ी बिल्कुल फ्रेश बारिश वगैरह भी हुई थी यहाँ पे। एंड दिस इज़ आर ADV 390। इसको 3-4 दिन से हमने स्टार्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ वर्क एंड मल्टीपल कमिटमेंट्स एंड बारिश भी हो गई थी। सो आज राइड पे लेके जाते हैं। लेट्स गेट द बाइक स्टार्टेड। खोल दो भैया, सुबह सुबह की धूप देखो कितनी प्यारी पड़ रही है गेट पे, एकदम फ्रेश। एंड जब सर्दी में रात निकलती है ना तो ये धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आज का जो प्लान है ना इज मोस्टली टू गो अप द माउंटेन्स, नोट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इन माइंड। कोशिश ये रहेगी कि वी गेट टू अ प्लेस जहाँ पे स्नो आ जाए रास्ते में एंड उससे आगे हम ना जा पाएं। तो द प्लेस होपफुली वेयर वी आर गोइंग इज बिजली महादेव एंड दिस गोज थ्रू द कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दिस इज वेयर द असेंट स्टार्ट्स। दिस इज अ प्रिटी स्टीप असेंट एंड आई जस्ट केम हियर अ फ्यू डेज बैक ऑन माय वी क्रॉस ऑन माय इसुज़ू एंड दिस इज लाइक अ 37 किलोमीटर असेंट ऑफ सिंगल ट्रैक रोड्स। There is some tarmac, decently laid out tarmac, but the roads are not very broad. And with the, I would say, moist conditions after yesterday's rain and some snowfall, of course you can't just embrace all those curves with full commitment. So it's more of an exploratory ride today. देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। वाह, दिस इज कूल यार। ओम ना 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 ना, ये करने में मजा आएगा। उस दिन मैं गाड़ी से आया था इस रूट पे एज आई सेड अर्लियर एंड द इसुज़ू मेक्स हैवी वर्क विद द स्टीयरिंग ऑन दीज शार्प बेंड्स। इट्स नॉट अ हैंडलर यू नो। क्या नजारा आ रहा है यार, एकदम बढ़िया। ये पहाड़ चढ़ने का ना, ये वाला स्पेसिफिकली पहाड़ है कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला, इस पे चढ़ते ही ना ऐसा लगता है ये सामने वाले पहाड़ों के लेवल पे आ गए हैं। घर से ये पहाड़ ऊंचे दिखते हैं जिन पे स्नो पड़ी है और दूर दिखते हैं। सो दिस इज अ विलेज कॉल्ड सॉइल। सॉइल इंग्लिश में तो एसओ आया ही वाला ही लग रहा है। ये कायस के ऊपर पड़ता है यार। एक अजीब सी ना सेटिस्फैक्शन है एडीवी 390 की ग्रंट में, ये वाली जो है ना, लो गियर पे खींचो तो मजा आता है एक अलग सा। क्या घर बनाया यार कोने पे, भाई देखो ऊपर बैठ के पढ़िया पढ़ रहा है किताबें, व्हाटएवर। अनदर विलेज कॉल्ड राउगी, राउगी इफ आई एम गेटिंग दैट नेम राइट, वी आर क्रॉसिंग दैट वन। यहाँ के विलेजेस यार बिल्कुल प्योर, कोई ज़्यादा, अरे भाई एकदम से तू उड़ने लगा था, बच गए। ओ ओ ओ ओ ओ, वी गो अगेन। ओ दिस इज द बैड पैच हियर अगेन। Let's go. This is improving a lot, yaar. That handlebar risers have really made off-road a little better. I was really struggling on day one while riding to Manali. Oh, 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 what a location, yaar. What a location to park the bike. And yahan se view dekho, neeche aapko Kullu Valley ka proper view dikh raha hai. Wow.
आई एम रियली मिसिंग माई ड्रोन हेयर. मेरे मैविक एयर ड्रोन की बैटरियाँ फूल गई हैं एंड मैंने यूट्यूब पे देखा ये इशू काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं. और मैविक एयर ड्रोन की बैटरी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, कितने की मिलती है, आई हैव नो आइडिया. तो आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड दैट आउट. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि ऐसी जगह पे आके ड्रोन ना होना इज़ अ क्राइम फॉर मी एटलीस्ट. सो यहाँ तो ये बार बार ही होगा, नज़ारे दिखेंगे एंड वील हैव टू टेक अ पिट स्टॉप एंड एडमायर द व्यूज, सोक इन दिस सीनरी. रोज दिखती है बट ऊपर आके ना जैसे जैसे ऊपर पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं एलिवेशन बढ़ती रहती है तो व्यूज भी अमेजिंग होते रहते हैं. आगे चलते हैं फिर से, लेट्स सी. सो दिस वॉज राउगी विलेज, एज यू कैन सी राउगी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल. एंड द रोड इन दिस विलेज इज प्रिटी गुड यार, कोई गड्ढे नहीं, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट टर्मैक. यहाँ पे सारे सेबों के पेड़ हैं, दीज आर एप्पल ऑर्चर्ड्स हेयर. लोड्स ऑफ फ्रूट इन दिस कुल्लू वैली यार. अप्रैल के बाद से जो सीजन है यहाँ पे, अगस्त तक का, अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इवन अक्टूबर, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आते हैं. एंड यहाँ जब आप ऊपर आ जाओ ना, सबसे अच्छी बात यह है यू फील लाइक यू आर राइडिंग इन अलोन, यू आर राइडिंग एब्सोल्युटली अलोन, फुल ऑन पीस. कोई इशू नहीं, कोई ट्रैफिक का पंगा नहीं, एक दो इधर उधर से आते हैं उनका ध्यान रखना है. अनदर यू, अनदर ट्विस्टी. वॉज इन द रॉन्ग गियर ऑन द फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर था, फर्स्ट में लगना चाहिए था. एज इट इज वी नो दैट द लो एंड ऑफ द ADV 390 स्टेलर. क्या नज़ारा है यार, वाओ, दिस इज क्रेजी ब्यूटिफुल, दिस इज लाइफ, व्हाट अ सैटरडे मॉर्निंग राइड दिस इज, वाओ. वी आर गोइंग अप 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 अप. आई थिंक आफ्टर द राउगी विलेज रोड जो प्रॉपर टर्मैक थी वो खत्म हो गई है. And now we are entering the off-road adventure zone, the real one, you know, not the fabricated one. Oh, teri! Oh, ho, ho, ho! लगता है ADV 390 को अब off-road mode में डालने का time almost आ चुका है. The conditions are getting a little gnarly here. Oh, ho, क्या नजारा है यार! So let's put this into the off-road mode. Select ABS को करते हैं off-road. This is getting slippery. As you can see, धीरे धीरे. ओ तेरी. ये तो खराब हो रहा है सीन यार, यहाँ तो काफ़ी ख़राब है. Slip, slip, slip कर रहा है, इधर तो स्लो चलानी पड़ेगी. And Maybe I have chosen the wrong day to do this. क्योंकि कल की बारिश के बाद सब गीला है एंड ऑल स्लश हो चुका है. एक बार रास्ता पूछ लेते हैं आगे कैसा है. ये आगे रास्ता कैसा है, ऐसा ही है? बर्फ भी है क्या आगे? दूर है? अच्छा, शैडो एरियाज में ना बर्फ जम जाती है रोड पे. It's not exactly a very narrow track, but yes, goes good, good, good. Oi, 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 oi. Oho, oho, oho. Oh, teri. Chada do. Second gear kam pad raha hai. First gear chahiye. First gear. First gear. Yes. We go up, up, up. And the suspension is acting okay. Kya view hai yaar. The view keeps on getting better and better. This is the ride you want to do on a weekend ride. Saturday, 31st December 2022. That's how you want to end your year. With this sort of a view. Going towards Bijli Mahadev Temple. That's the track that at least I'm following right now. Don't know if we will be able to reach there considering the snowfall yesterday. But this is good. This is good, yaar. Off-road mode, off-road ABS. It looks easy while going up.
एंड वाइल कमिंग डाउन दिस विल अगेन रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ओए लकी लकी ओए चल जा. आजा 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 स्लाइड मारती हुई बाइक. रियर व्हील जस्ट वाज स्लाइडिंग अ लिटिल एंड दिस इज नॉट अ गुड रोड. नॉट अ रोड बाय एनी वाइल्ड स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. एंड व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू. यही एक ही पहाड़ है जो बार बार दिख रहा है डिफरेंट एंगल्स से. दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर. द एंगल्स चेंज, द लाइटिंग चेंज एंड द सेम माउंटेन जस्ट कीप्स ऑन लुकिंग अमेजिंग एंड इवन बेटर एवरी टाइम यू लुक एट इट. ओ यहाँ पे तो यार बर्फ जमी हुई है, कांच जमा हुआ है, तो इधर तो ध्यान से चलाना पड़ेगा. ओ गुड कम दिस साइड. यू कैन सी सम स्नो हेयर, देयर इज स्नो. देखो नीचे वाइट जो पैचेस दिख रहा है ना, दैट इज ऑल फ्रोजन वाटर ऑन द रोड. अगेन अ यू टर्न, अगेन दिस इज जस्ट गोइंग अप एंड अप 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 एंड अवे. आई बिलीव द ब्रॉडर रूट मीन्स दैट यू हैव टू टेक दिस वन बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी वेल नोन टेम्पल इन द एरिया, बिजली महादेव. सही लाइन ली है ना, रॉन्ग लाइन तो नहीं ले ली. गेट द राइट लाइन यार. कोठाधार व्हाट इज दिस यार, कोई विलेज है, मैंने नाम सुना है कोठाधार करके. गुड यार, गुड. अब तो पीछे वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं, वो वाला पहाड़ पहले नहीं दिख रहा था. उस पे प्रॉपर स्नो पड़ी है. टिल दिस टर्न, यहाँ तक ऑन द रूट टू बिजली महादेव एवरीथिंग वॉज फाइन. आई हैड टू पार्क माई ADV 390 हेयर बिकॉज इस मोड़ के बाद ही आगे बर्फ जमी हुई है रोड पे. आई एम नॉट गोइंग बियॉन्ड दिस, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू. आई डोंट नो, इसके ऊपर आइस है यार. ये यहाँ पे पूरी सरफेस, यहाँ पे ट्रैक्शन खत्म हो रहा है पूरा. ये आगे सारा ही ऐसा है क्या पूरा? ऊपर तो और ज्यादा होना. ये कहाँ तक है आगे रास्ता ऐसे अभी? ये तो अब पर अब जाना कहाँ? बिजली महादेव पर खराब हो सकता है कल. आगे रास्ता पूरा ऐसा ही है बर्फ वाला. तो भगवान का नाम लेके चलाते हैं धीरे धीरे. भाई साहब धीरे धीरे चलो. जहाँ ओ तेरी गई जाने वाली थी. जहाँ रोड आ गई ये तो सही है पैच, ठीक है, बट जो आसपास बर्फ आ रही है ना उसमें है पंगा. तो ब्रॉडर वाले पैच पे चलें क्या कि इस वाले पे चलें? स्लो वाले पे हैं, इसी को करते हैं विद फेदरिंग ऑफ द क्लच धीरे धीरे. पैरों में बिल्कुल भी ट्रैक्शन नहीं मिल रहा क्योंकि बूट चाहे जो मर्जी हो बर्फ़ पे आके सब स्लिप मारते हैं. सारी बकवास बातें हैं कि ऐसा बूट वैसा बूट. ये एक बीच में ना मिट्टी वाली लाइन है इस पे चलाते हैं हल्का. इस पे भी धीरे ही चलाते हैं यार क्योंकि ना कोई भरोसा नहीं है. ये देखो बीच में मिक्स है इसमें. अरे यार यहाँ जमी पड़ी है. दिस इज जमोफाइड. कॉन्स्टेंट थ्रॉटल रख ले भाई, धीरे धीरे निकाल दे. कूल है निकालते जा. ना स्लिप हो रही है. ओ तेरी फंस गई. ये क्या है? ये भी बर्फ है. आगे कितनी है भाई? सो यहाँ आगे आके तो यार अच्छा खासा मामला हुआ पड़ा है खराब. ये रास्ता जा रहा है ऊपर काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में. यहाँ तो प्रॉपर ही गंदा वाला ऑफ रोड है, प्रॉपर वाला. इधर कहाँ जाएंगे? आई डोंट नो.
एंड यहाँ आके इधर से नीचे कट रहा है रास्ता, विच आई बिलीव दे से इज गोइंग टूवर्ड्स नागर, बट यहाँ तो ख़राब है मामला, अननेसेसरली पंगा लेने की क्या ज़रूरत है इस राइड पे। सो गाइस प्लान कैंसिल कर रहे हैं, इधर आगे बर्फ़ ज़्यादा है एंड अकेला हूँ, सो आई रियली डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क अननेसेसरली। सो अब यहाँ से गाइज यू टर्न लेना पड़ेगा एंड आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, इन शॉर्ट आज फंस गए। सो इस बाइक को घुमाना है इज़ गोनो बी अ बिग टास्क यार, कैसे घूमेगी मुझे नहीं पता फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड जिस जगह पे ये खड़ी है मुझे पता है इसके 100 तरीके आप लोग बताओगे यूट्यूब पे, बट यहाँ पे ये करना प्रॉब्लमेटिक है, हो सकता है गिरे। अब इसको घुमाएं थोड़ा सा और, हल्की बाइक समझ रहे हो, ये टाइगर के साथ करना पड़ता तो कैसे होता भगवान जाने, अभी इसके साथ कैसे होगा मुझे ये भी नहीं पता, बट तेरी घूम तो गई है मोस्टली। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सीधी करनी है, स्लोली स्लोली। हाँ हाँ मुबारक हो, किसी तरह हमने सीधी कर दी है, एकदम मोमेंटम बनता है साला, ऐसे ही क्रॉल करके ले जाते हैं इसे। हो हाँ इतनी स्पीड भी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये गलत जगह पे ब्रेक मारी तो श्यू श्यू हो जाएगा काम। और ये बर्फ़ ख़त्म हो गई है, थैंक गॉड थैंक गॉड, लेट्स सोक इन द व्यू हेयर फॉर सम टाइम। So essentially here, this is the place where we'll have to stop our ride today. It's like 20 kilometers on the hills that we did today, and we are somewhere in this village called Kothedar. All the huts and homes that you see behind me, wo sara Kothedar village ka part hai. So let's call it a day for this ride. I'll ride back home, and yahan se it will take me about like 45 minutes. To reach down to Kais and reach home from there. आज का बर्फ तक आने का टारगेट था एंड वो हमने कर लिया। Oh wow, we are overlooking the entire Kullu Valley here. Let me just show you what sort of view we have here. I'm not sure if you can see this. This is the view of the Kullu Valley. Wow. So not going to show you this slow speed descent that we are doing. इतना धीरे उतरते हुए क्या ही दिखाऊँ, same route है तो एक बार सीधे नीचे उतरते हैं और आपसे मिलते हैं। We are now back on the plains. Yeah, these are not plains but relatively the terrain that I'm just coming from. उसके हिसाब से this is a normal plains वाला एरिया। सो दैट इज़ वेयर वी एंड आर राइड टुडे। लेट मी नो वॉट यू फेल्ट अबाउट टुडेज वीडियो, इफ़ यू लाइक वॉट यू सॉ यू नो वॉट टू डू, एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन कंटिन्यू टू मेक सच राइड वीडियोज़। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, सी या।